बहराइच। चफरिया में उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा चौपाल में बच्चों को निपुण बनाने पर दिया गया जोर। हर घर में जलाई जाएगी शिक्षा की अलख। खंड शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह। निपुण बालक और बालिकाओं को किया गया पुरस्कृत। बहराइच जिले के तहसील मोतीपुर अंतर्गत विकासखंड मेहनपुरवा के ग्राम पंचायत चफरिया के उच्च प्राथमिक विद्यालय चफरिया विद्यालय में शिक्षा चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चौपाल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खंड शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार सिंह शामिल हुए। शिक्षा चौपाल के दौरान खंड शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार सिंह ने कहा कि हर घर तक शिक्षा की अलख जलाई जाएगी जब तक हर घर के बच्चे विद्यालय में पढ़ने न लगें। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि प्रदेश व केंद्र सरकार के द्वारा लगातार योजनाओं के माध्यम से स्कूली बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। उच्च प्राथमिक विद्यालय चफरिया में शिक्षा चौपाल के दौरान बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। स्कूल चलो अभियान पर बच्चों के द्वारा मनमोहक कार्यक्रम किया गया जिस पर लोगों ने जमकर तालियां बजाई और बच्चों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के दौरान काफ़ी संख्या में अभिभावक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान खंड शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार सिंह के द्वारा जागरूक अभिभावकों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। चौपाल कार्यक्रम में एआरपी अंशुल कुमार ने कहा कि अभिभावकों और शिक्षकों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभानी है, तभी बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। खंड शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार सिंह, एआरपी अंशुल कुमार, नोडल शिक्षक संकुल श्रवण कुमार सिंह, शिक्षक संकुल संदीप तिवारी, अजय सोनकर, सुकुमार सरकार, नितिन मित्तल, सहायक अध्यापक सुनील चौधरी, उच्च प्राथमिक विद्यालय 1-8 के प्रभारी प्रधानाध्यापक मनोज कुमार, सहायक अध्यापक अनिल कुमार, पंकज कुमार, राजकुमार, सुरजीत सिंह, ग्राम प्रधान चफरिया अजीत अहमद, एसएससी अध्यक्ष राकेश कुमार, एमएससी अध्यक्ष उच्च प्राथमिक विद्यालय चफरिया मोहम्मद अजहर खान, जागरूक अभिभावक अनिल मदेसिया, अनूप कुमार तिवारी, राजेश कुमार कोटेदार, ग्राम पंचायत सदस्य जोहेब खान, काफ़ी संख्या में अभिभावक बच्चे इस दौरान मौजूद रहे। आज उच्च प्राथमिक विद्यालय चफरिया में शिक्षा चौपाल का आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी और हमारे आदरणीय डीजी साहब का एक सपना है शिक्षा चौपाल के माध्यम से हम गांव में उन अभिभावक को, उन बच्चों को जागरूक करना चाहते हैं कि जिनकी उपस्थिति और जो अपने बच्चों के प्रति थोड़ा कम जागरूक है, जिससे हम इसको अलग जगाएंगे और हर बच्चे की उपस्थिति को बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें एक है कि इसको कायाकल्प के दृष्टि से भी जोड़ा गया है कि अगर कोई विद्यालय में कोई चीज़ कायाकल्प से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको हम प्रधान जी से और बीडीओ साहब से और अपने उच्च जिला अधिकारियों से संपर्क करके इसको दूर कराएंगे, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। यहाँ के अभिभावकों के लिए आपका क्या संदेश है? यहाँ के अभिभावकों के लिए मेरा दो संदेश है। एक तो इस विद्यालय को अपना मंदिर समझ के मैं ये अनुरोध कर रहा हूँ कि कुछ अराजक तत्व तो आ जाते हैं विद्यालय में, कोई अभी सुरक्षा की इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, तो सब लोग इस चीज़ को, सभी लोग ध्यान दें कि आपके विद्यालय में जो भी चीज़ें शासन के द्वारा उपलब्ध कराई गई हों सुरक्षित रहें, और दूसरा अपने बच्चों को काम से हटा के विद्यालय की तरफ मुख मोड़ें।